टीकाकरण इसीलिए किया जाता है ताकि जानलेवा बीमारी से बच्चा बचे। टीकाकरण इसलिए नहीं किया जाता कि बच्चे को बीमारी है, टीकाकरण इसलिए किया जाता है कि बच्चे को बीमारी ना हो। न्यूबॉर्न पीरियड जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है। न्यूबॉर्न बच्चे के पीछे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वायरस पड़े रहते हैं कि कब इसको अटैक, तो इसलिए डिफ्थीरिया, पर्टसिस, टेटनस, निमोनिया, रोटा वायरस वगैरह वगैरह। तो वैक्सीनेशन इज डन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, रिमेंबर ऑलवेज। मैं हमेशा पेरेंट्स को यही समझाता हूँ, जैसे हम सीट बेल्ट पहनते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट हो भी जाए तो हमको धक्का ना लगे, वैसे इन्फेक्शन आ भी जाए तो बच्चे को धक्का ना लगे, इसलिए वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में ज्यादा कंफ्यूजन पेरेंट्स को हमेशा है रहता है कि डॉक्टर साहब गवर्नमेंट में ये बोलते हैं, प्राइवेट में ये बोलते हैं। सी देयर आर टू वैक्सीनेशन रेजिम्स व्हिच आर गोइंग ऑन, व्हिच आर देयर क्वाइट सम टाइम। वन इज नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के थ्रू लागू है, दूसरा है IAP, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, राइट, जो आपको जनरली प्राइवेट सेंटर मिले। सो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बर्थ पे BCG लगता है, हेपेटाइटिस बी ओवरऑल पूरी लगता है, उसके बाद 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स में लगते हैं, फिर डायरेक्टली 9 मंथ्स में लगता है, फिर 1.5 साल में लगता है बस, फिर उसके बाद डायरेक्टली आपको 5 साल में लगाते हैं। जो जो वैक्सीन गवर्नमेंट पे नहीं लगते हैं वो क्या है, 6 मंथ्स में इन्फ्लुएंजा नहीं लगता है गवर्नमेंट में, जो सिर्फ IAP में लगता है, फिर 9 मंथ्स में टाइफॉइड जो प्राइवेट में लगता है, फिर मेनिंगोकोकल वैक्सीन MCV कहते हैं वो 9 से 12 मंथ्स में लगता है, फिर 1 साल में जॉन्डिस का हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगता है, फिर 15 महीने में चिकन पॉक्स जो गवर्नमेंट में नहीं लगाते हैं, फिर 2 साल में MCV2 जो ऑप्शनल है लगा सकते हैं, तो फिर 4 साल के में ये बूस्टर्स रिपीट होते हैं, MMR का बूस्टर होता है और चिकन पॉक्स का बूस्टर होता है। अभी लेटेस्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से चिकन पॉक्स का जो बूस्टर है जो 15 महीने में लगता है, 1 महीने के बाद ही चिकन पॉक्स का सेकेंड बूस्टर लग जाता है। तो प्राइवेट में भी 4 से 5 साल में DPT, डिफ्थीरिया, पर्टसिस, टेटनस और हिप का एक बूस्टर लगता है और MMR3 का एक बूस्टर लगता है। सो पेरेंट्स क्वेश्चन सर कौन सा फॉलो करना चाहिए, अब आप डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सा करूं। ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के वैक्सीन गलत है, लेकिन गवर्नमेंट में कुछ वैक्सीन जैसे टाइफॉइड का नहीं देते। एज ए पेरेंट हम, एज ए डॉक्टर हम पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि टाइफॉइड का वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं लगता है, टाइफॉइड के इतने केसेस होते हैं, इतने उसमें सीरियस होते हैं, इतने उसमें डेथ्स होते हैं, उसके बाद इस पेरेंट का डिसीजन होता है कि मैं कराऊंगा कि नहीं। चिकन पॉक्स का हो, हेपेटाइटिस ए का हो, ब्रेन फीवर का हो, जो भी है, ये डिस्कशन पेरेंट्स के साथ हम करते हैं, वरना आप गवर्नमेंट में डला सकते हैं। जो वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं लगा वो आप प्राइवेट में लगा सकते हैं, उसमें क्या होगा, आपका दोनों वैक्सीन ओवरलैप होकर दोनों कवरेज हो जाए। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हमको सिर्फ गवर्नमेंट के ही चाहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ आपने टाइफॉइड का वैक्सीन नहीं लगाया है, आपने इन्फ्लुएंजा नहीं लगाया है, आपने वो हेपेटाइटिस ए जॉन्डिस का वैक्सीन नहीं लगाया है, उसका रिस्क थोड़ा जो भी है रहेगा। कल के दिन यू कैन नॉट क्वेश्चन एनीथिंग, राइट। सो ये डिफरेंस है, लेकिन कंपलसरी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही लगाना है या फिर यही लगाना है। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि डॉक्टर साहब मैंने गवर्नमेंट में ये वैक्सीन लगाए हैं, अभी मेरा बच्चा 1.5 साल का है, मैं जो वहां पे नहीं लगा वैक्सीन वो यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। आपको वो गाइड करेंगे, समझाएंगे कि हाँ ये फीडिंग कब करो, वो भी किया जा सकता। जहां पे आप वैक्सीन लगवाएंगे वैक्सीन आपको वहीं मिलेगी, या आपको जाके किसी सुपरमार्केट में या किसी मॉल से खरीदने की जरूरत नहीं है। वैसे आप कुछ लोग वैक्सीन, परसों एक पेशेंट हमारे बेचारे उनके ट्विन्स हैं, तो उन्होंने वैक्सीन ऑर्डर कर दी ऑनलाइन। वैक्सीनेशन हमेशा कोल्ड चेन में होना चाहिए ना, 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। उन्होंने उनको सिर्फ एक आइस पैक का रबर बैंड लगा के आइस पैक के साथ चिपका के वैक्सीन भेज दिया घर पे। वो पता नहीं 4-5 घंटे ऐसे आइस पैक के साथ बाहर था, एक्सपोज हुआ था, तो वैक्सीन का एफिकेसी कम हो जाता है। वो लेके वैक्सीन इधर मेरे पास आए थे कि डॉक्टर साहब वैक्सीन लगा दो। मैं मानता हूं, समझता हूं कि उनको कुछ डिस्काउंट मिला होगा इसलिए उन्होंने वैक्सीन ऑर्डर किया ऑनलाइन, लेकिन फायदा क्या हुआ अगर वैक्सीन का एफिकेसी नहीं रहा तो। सो वैक्सीनेशन खरीदने की गलती मत कीजिए, अगर आप खरीद भी रहे हैं तो डॉक्टर के गाइडेंस पर खरीदिए, क्योंकि कैसे पैक होना चाहिए, कैसे वो आयला आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कहते हैं, बॉक्स कहते हैं उसको, वो उसमें ही रहेगा, वो हर जगह से आइस पैक रहते हैं उसमें। वरना आप, माय सजेशन इज डोंट कीप बाइंग वैक्सीनेशंस आउटसाइड, टॉक टू योर डॉक्टर और हॉस्पिटल और सेंटर। जैसे गवर्नमेंट में जाएंगे उनके पास वैक्सीन रहेंगे, प्राइवेट में जाएंगे उनके पास वैक्सीन रहेंगे। वैक्सीनेशंस के
साइड इफेक्ट्स मैं सिंपल साइड इफेक्ट बताऊंगा, जो बेसिक साइड इफेक्ट हम देखते हैं 24 to 48 hours ऑफ वैक्सीनेशन, फीवर आ सकता है 20 to 30% वैक्सीन, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वैक्सीन लगा है, क्योंकि कुछ वैक्सीन में फीवर नहीं आता है, कुछ वैक्सीन में हल्का सा फीवर आता है। एंड एक और बात बता दूं यहीं पे मैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि जिस वैक्सीन में फीवर आया वही वैक्सीन मतलब चालू कर रहा है, काम कर रहा है, जिस वैक्सीन में फीवर नहीं आया मतलब डुप्लीकेट है, पता नहीं काम नहीं किया, क्या क्या बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, हर बच्चे का रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, उसके सिस्टम पे डिपेंड करता है और वैक्सीन पे भी डिपेंड करता है। तो हल्का सा फीवर आ सकता है, एक दिन का रैश, जैसे मीजल्स वैक्सीन में कभी कभी रैशेस आ सकते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन में कभी कुछ लूज मोशंस हो सकते हैं, बच्चे को पेट में क्रैम्स आ सकते हैं, और कुछ जैसे टाइफॉइड वैक्सीन में एक दिन का बुखार, दर्द आई पे जहां पे वैक्सीनेशन देते हैं, वैक्सीनेशन साइट पे हल्का सा स्वेलिंग, पेन, रेडनेस हो सकता है। इसके अलावा देयर इज नो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, देयर इज नो मेजर कॉम्प्लिकेशन, देयर इज नो मेजर साइड इफेक्ट। बहुत पुरानी एक मिथ थी, एक गलत फहमी थी लोगों में कि वैक्सीनेशन करने से ऑटिज्म हो गया बच्चों को, हो जाता है। इट्स बीन डिसप्रूव्ड दैट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, राइट? सो वैक्सीनेशन डज नॉट कॉज ऑटिज्म और एनी अदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। वैक्सीनेशन कैन ओनली कॉज लोकल एंड लोकल रिएक्शंस और रैशेस। कुछ बच्चों में, वेरी 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 रेयर बच्चों में, जिनको मिल्क प्रोटीन एलर्जी रही हो, जिनको बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1 in 10,000, 1 in 50,000 चिल्ड्रन, कुछ वैक्सीन में अगर वो चीज, वो सेंसिटिव एलर्जन पाया गया हो, तब उनको सीवियर रिएक्शन हो सकता है, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रैशेस ऑल ओवर, कभी कभी हॉस्पिटल, वो बहुत बहुत रेयर है। मैंने पूरे अपनी प्रैक्टिस में 2 देखे मैंने वैसे केसेस, राइट? अदरवाइज वैक्सीनेशन में कोई इश्यू नहीं है। प्लीज अपने डॉक्टर से पहले आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके बच्चे को लेके जाइए, उम्र के हिसाब से जो जो वैक्सीन मिसिंग है, पेंडिंग है, दे विल गाइड यू एंड दे विल एक्सप्लेन यू द पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ऑफ एनी दैट वैक्सीन कॉजिंग फीवर, हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको समझाएंगे।